Whatever product you take, the juices, you will have sugar, you will have chemical. This is being processed somewhere, you know, with the chemicals and the colors. This is the natural juice we are providing with the without color, without sugar and without chemical. This is completely different from the other products we have in the market. Out right from the, you can say, the fruit market, you can say. सी हम लोग जो है ना, देखो मार्केट में जो मिल रहा है ना, जूसेस तो मिल रहे हैं, बट जूसेस के नाम से पानी, केमिकल और ये सारी चीज़ें मिल रही है. बट हम लोग है जो 100% जूस लाना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही कम मिल रहे हैं और जो भी मिल रहा है बहुत हायर रेंज और प्राइस में मिल रहा है, जो एक नॉर्मल पीपल के लिए आज के डेट में कंज्यूम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. दूसरा, मैं ये सोचता हूँ कि जैसे एक केमिकल वाला अगर जूस पीते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ. आज के डेट में अगर मान लो हम लोग स्कूल में बच्चों को भेजते हैं या मान लो हम लोग नॉर्मल जर्नी करते हैं, तो बहुत सारे एनर्जेटिक चीज़ें जो हम लोग को मिल नहीं पाती है ड्यू टू द टाइम, ऑफिस में भागा दौड़ी बोलो या बच्चों की स्कूल बोलो. तो हम लोग एक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट में आना चाह रहे हैं कि जिसमें इजी टू कैरी, इजी टू ड्रिंक, जो 100% जो फ्रूट की स्वीटनेस है वही उसकी स्वीटनेस है. नो शुगर, नो ग्लूटेन, 100% नेचुरल. और भी उसके बहुत सारे गुण हैं जो फ्रूट्स के अपने नेचुरल्स होते हैं, जो बॉडी को हीलिंग करते हैं. तो इस टाइप का, इनफैक्ट जेस मीन्स द हीलिंग, सो वी आर कमिंग विद द नेम जेस फॉर दैट ओनली. नहीं, हम लोग ने अभी सैम्पलिंग करवाया, क्योंकि अभी तक हम लोग ने किसी को करवाया नहीं है, बट देयर इज़ अ सैम्पलिंग एज वेल वी आर डूइंग अप. तो जब जितने भी लोग हमने अभी तक ट्राई किए, सबका रिस्पांस यही आया है कि इसमें एक नेचुरल जो चीज़ें होती है फ्रूट्स के, जो अपने गुण होते हैं वही है. इसमें कोई एडिशनल केमिकल फील नहीं होता है, जैसे कोई सिरप मिला देते हैं या मान लो कोई शुगर मिला देते हैं. अभी मान लो शुगर फ्री एक चीज़ होती है, जैसे आप देख रहे हो, तो शुगर डालने से क्या होता है, एक शुगर वाला आदमी कंज्यूम नहीं कर पाता है. बट हम लोग अगर नेचुरल स्वीट उसका रखे, तो इवन दैट पीपल कैन ड्रिंक दैट दैट जूस. तो अभी तक तो रिस्पांस पॉजिटिव ही आया है, देखते हैं अभी आगे. आपका जो एक हिस्ट्री है वो काफ़ी बहुत सारे कर चुके हैं और उसका पार्ट हो गया, आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या सोच के आप इसमें? टू बी फ्रैंक, दिस इज द कंप्लीट ब्रेन चाइल्ड ऑफ माय एंड वी हैव डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स सिंस 2007, बट दिस इज वन ऑफ द न्यू वेंचर वी आर डूइंग. यू सी, यू सेड द कंफर्ट जोन से आउट आके नथिंग कैन बी डन, यू स्टे इन द कंफर्ट जोन, यू हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. लेट अस सी, दिस इज समथिंग इन इंडिया, एवरी 10 हाउसेज यू विल फाइंड 9 हाउसेज विद 20-35 पीपल हैविंग द डायबिटिक प्रॉब्लम. सो वी आर प्रोवाइडिंग दैम समथिंग, दे कैन हैव सम सॉफ्ट ड्रिंक विद एनर्जी विदाउट शुगर. I think this should be very beneficial for the diabetic patient who is found everywhere in India, in every household. That's what we are trying to do, something different, something natural. Sir, starting में हमारे जो flavors है, एक charcoal lemonade है, mixed fruit juice है, orange है. ये हम लोग एक फ्लेवर फिलहाल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं. आने वाले फ्लेवर्स में 12 से 15 फ्लेवर्स और आएंगे, जिसमें ग्रीन जूस भी रहेगा, जो एक हेल्दी के लिए, जैसे जिमिंग के लिए जाते हो तो इट्स हेल्दी. उसके बाद में जो नॉर्मल पोमोग्रेनेट है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आने वाली है, जो नॉर्मली सब जगह पर अवेलेबल हो जाएंगे. और इसका अगर प्राइसिंग की बात करूँ, तो एक नॉर्मली जो एक अफोर्डेबल प्राइस होती है 50-70 के बीच में, जो अगर आप रेस्टोरेंट में भी जाते हो तो 100-150 रुपये का मिल जाता है आपको. बट ये दिस इज़ नो वाटर एडेड, नो शुगर एडेड, नो केमिकल एडेड, नो ग्लूटेन, एनीथिंग. इट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल. जो उसका रस है वही उसका नेचुरल USP है. मुझे लगता है आने वाले 1-2 महीने में ये मार्केट में आ जाएगा. तो अभी तो फिलहाल हम लोग एक लॉन्च इवेंट में कर रहे हैं. नेक्स्ट मंथ वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद द मॉकटेल्स एंड द कॉकटेल्स मिक्सचर्स. मोस्ट ऑफ द इसमें वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट्स में अवेलेबिलिटी की कमी है ऐसा. नाम एक्चुअली कैसा है कि जेस का मतलब ही हील होता है. तो हम लोग चाहते हैं कि मार्केट में केमिकल फ्री प्रोडक्ट हो जो हील करे,
जो कि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे बीमारियां भी आ रही है जो आउटसाइड प्रोडक्ट कंजम्पशन के वजह से आ रहे हैं। हम लोग भी हेजिटेट करते हैं जब किसी को आउटसाइड फूड या जूस देते हैं, तो हम लोग इस तरीके से इसको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं कि भाई चलो एक अच्छा प्रोडक्ट आए जो एक डायबिटिक पेशेंट भी पी पाए और एक नॉर्मल पेशेंट भी पी पाए। तो इसका नाम इन्वेंशन भी हम लोग ने इस तरीके से रखा, तो जिस मीन्स द हीलिंग। आपको लग नहीं रहा कि आपके बोतल का डिज़ाइन है ये? हाँ, ऑलरेडी पहले से एक कंपनी इस तरह की डिज़ाइन से काम कर सी डिज़ाइन से सब बॉटल डिज़ाइन में हमने फोकस ही नहीं किया। बॉटल एक काफ़ी कंपनी काफ़ी उस पर काम किया, उसको लेकर डिफरेंट एक आज के दौर में पेपर बोर्ड काफ़ी अधिकतर तौर पर बिक रहा है। सी पेपर बोर्ड एक अलग पार्ट हो गया, लेकिन पेपर बोर्ड इज़ नॉट 100% जूस, दे आर मिक्सचर। 30-40% को एक पल्प देते हैं और उसके बाद में मिक्सचर ऑफ दूसरे चीज़ें देते हैं। तो अगेन आई एल नॉट से नाइदर आई एल कमेंट एनीथिंग ऑन दैट प्रोडक्ट, बट मैं अपने बारे में इतना ही बोलूंगा कि बॉटल में हमने फोकस नहीं किया। इट इज़ ऑब्वियसली कॉमन है बॉटल, लेकिन आने वाले फ्लेवर्स है, हर फ्लेवर एक अलग चीज़ अलग बॉटल लेकर आएगा, और हम लोग ने उसके गुण में ज़्यादा फोकस किया है, ना कि उसके आउटर साइड एरिया में। कंपनी ऑलरेडी इस तरीके के डिज़ाइन मार्केट में बेच रही है, हाँ, जो आपके कस्टमर को डिवाइड करना। इट्स नॉट द 100% डिज़ाइन कॉपीड फ्रॉम समवन, इट्स आवर ओन डिज़ाइन, वी हैव नॉट कॉपीड फ्रॉम एनी, किसी का कॉपी नहीं है जैसा प्रोडक्ट। तो कुछ कुछ लुक मिल सकते हैं, डजंट मीन दैट वी हैव कॉपीड, दिस इज आवर ओन डिज़ाइन। राइट, कैसे होता है, हम लोग एक और अलग विजनरी सोच रहे हैं। जैसे एक एग्रीकल्चर पार्ट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो हम लोग फार्मर्स से टाई अप कर रहे हैं, हम लोग MSP पे वर्किंग कर रहे हैं, और उस हिसाब से क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, इस वजह से वी आर एबल टू कंट्रोल द प्राइस, और हमारी खुद की ओन प्रोडक्शंस है, तो इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती है। जी, मार्केटिंग कैसे होगी इसकी आने वाले टाइम में? देखिए, मार्केटिंग तो अभी चल रही है आने वाले, इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसमें हम लोग मोस्टली टारगेट कर रहे हैं ऑडियंस को जो कि एक हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में जाता है, और जो भी आने वाले समय में आने वाला है, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मोस्टली उसी पे फोकस रहेगी, और मॉकटेल्स में भी रहेगा, विच इज़ अगेन अ हेल्दी पार्ट, जो कि आप मान लो बार में जा रहे हो, 10 में से 2 लोग हैं जो ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, बट दे वांट टू ड्रिंक समथिंग, तो वी आर ब्रिंगिंग मोर ऑप्शंस फॉर देम एज वेल द कॉकटेल मिक्सचर। फ्रॉम दैट पॉइंट वी विल गो फॉर द डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑल ओवर इंडिया फ्रेंचाइज, वी इनवाइट लेटर ऑन, मे बी आफ्टर 6 months और 1 year विल ट्राई समवेयर इन अर्बन एरिया ऑफ मुंबई, देन विल गो फॉर द फ्रेंचाइज डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क। That would be the part of the market. नहीं, हम लोग आ रहे हैं, फ्लेवर्स आर मिक्सोलॉजिस्ट आर वर्किंग ऑन दैट, वी आर गेटिंग लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दैट, बट कैसा है, ईच प्रोडक्ट एंड ईच एक न्यू इनोवेशन टेक्स टाइम, तो हम लोग एक प्रोडक्ट ऑफ रेंज में डेफिनेटली आएंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास में रेंज है, हम 4 इसलिए किए क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जैसे कोकोनट ये अपना पोमोग्रेनेट और ये कोकम का एक मिक्सचर है विच इज़ हेल्दी एज वेल अ गुड इन टेस्ट, तो ऐसे काफ़ी कम ऑप्शन से आपको मार्केट में मिलने वाले, तो उसी रेंज में हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और भी जो कॉमन है वो तो है ही। कमिंग टू द प्राइसेस, यू हैव टोल्ड द प्राइसेस, यू नो फॉर द नेचुरल थिंग द क्वालिटी, पीपल आर लुकिंग फॉर द क्वालिटी, दे डोंट लुक फॉर द प्राइस, दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल, सो दिस इज प्राइस विल नॉट बी अ फैक्टर इन द मार्केट। नहीं होगा, फिलहाल हम लोग 200-250 ml में आ रहे हैं जो कि नॉर्मल ट्रैवलिंग में होता है, फैमिली के लिए हम लोग 1 liter, 1.5 liter वो सब में आएंगे, वी विल ऑल्सो कम विद द टेट्रा पैक एज वेल, बट आएंगे, वी आर कमिंग। फिलहाल हम लोग मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर ये साइड में फोकस कर रहे हैं जैसे मेट्रो सिटीज़ में, एंड स्लोली वी विल कम विद चेन ऑफ टू टूवर्ड्स द साउथ एंड नॉर्थ साइड, डिस्ट्रीब्यूशन वी विल डिवाइड इनटू दैट पार्ट। टारगेट एज ग्रुप तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग बच्चे से लेके बूढ़े तक ये टारगेट कर रहे हैं। ड्रिंक्स डज नॉट हैव द एज ग्रुप, राइट, जैसे अगर एजेड पर्सन हो तो डिटॉक्साइड वो पी सकते हैं, ठीक है, उसके लिए चारकोल लेमोनेट वो लोग पी सकते हैं, दे विल लाइक दैट प्रोडक्ट, ठीक है। अब हर प्रोडक्ट हर किसी को अच्छा नहीं लगता, सबके अलग टेस्ट है। हाँ,
हाँ उनके लिए आपने क्या कुछ सोचा? क्या सोचा? सीनियर सिटीजन और बच्चों के कितना टारगेट साबित होगा? ये डेफिनेटली 100% होगा, क्योंकि अगर आप बच्चों को अगर बात करना चाहते हैं तो बच्चों को आज आप बैठ के पिला नहीं सकते, लेकिन वही चीज़ अगर आप जूस में देना चाहते हो और वही बाहर से पैक्ड आके, तो हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट किसी की हेल्थ बढ़ाती है तो डेफिनेटली वो कारीगर साबित होगा, बिकॉज ये नेचुरल गुण है जो फ्रूट्स के, वही अपने गुण है, तो वो तो जो है वो देगा ही उसको फायदा। फॉर द ओल्ड पीपल ये एक एनर्जी ड्रिंक होगा, ये जूस नहीं होगा, ये एनर्जी ड्रिंक होगा। दिस इज समथिंग सॉर्ट ऑफ एनर्जी ड्रिंक। हम लोग का 3 मंथ्स का है, लेकिन हम लोग जैसा कि उसमें जो केमिकल फ्री सारी चीज़ें है, तो ये भी उसी वे में जाएगा, जो एक ट्रीटमेंट के हिसाब से जाता है वही जाता है। Thank you. This is something in a natural we have to, you know, find the way. Very right question you have asked. आप इसमें केमिकल नहीं दे रहे हो, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर इट, दैट इज द कंसर्न पार्ट। वी हैव टू स्ट्रगल वेरी हार्ड टू स्टोर इट फॉर 6 मंथ, 3 मंथ्स वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यू नो एक्सपेंसिव मार्केटिंग ट्रैवलिंग ये थोड़ा सा कम वक्त है, लेकिन चूंकि नेचुरल रखना है इसलिए दैट वुड बी द मोस्ट कंसर्न पार्ट वी फाइटिंग। नहीं नहीं, शुगर फ्री है, शुगर फ्री है, केमिकल फ्री, कलर फ्री, शुगर फ्री, लुक्टेन फ्री। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमारी USP तो यही है कि एक अच्छा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में आए, जो लोगों को हेल्थ के साथ में एक एंजॉयमेंट भी मिले, और एक एक शुगर फ्री के हिसाब से हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं कि ताकि उसकी सेहत भी बने रहे और वो इन्जॉय भी कर सके। तो मैं चाहूँगा कि यही हमारी सारी चीज़ें आगे में प्रमोटेबल रहेगी मोस्टली। द USP इज अगेन शुगर फ्री, केमिकल फ्री, कलर फ्री, लुक्टेन फ्री, विच इज़ नॉट अवेलेबल इन मार्केट। आप चाय में भी अगर शुगर फ्री पीते हो दैट हैव द केमिकल, बट हियर नो केमिकल एट ऑल। हम लोग जो भी कुछ घर में खा रहे हैं आजकल, 90% ऑफ द प्रोडक्ट वी आर बाइंग फ्रॉम द मार्केट हैव द केमिकल्स। एक ही साग को छोड़ दीजिए ना, साग में केमिकल इसलिए नहीं होते कि जो ही केमिकल मिलाएंगे पत्तियां गल जाती है तुरंत। द साग इज द ओनली प्रोडक्ट विच इज केमिकल फ्री, और सेकेंड वन द केमिकल फ्री जेस। सो इन्जॉय जेस, नॉट लाइक ए जूस, इन्जॉय इट इज एज ए हेल्थ ड्रिंक प्रोडक्ट। मैं भी ये बोलूँगा कि ये हेल्थ ड्रिंक है, जूस नहीं, नेचुरल 100% नेचुरल। आप खुद ट्राई करें और अपने दोस्तों को भी ट्राई करवाएं, एंड वी विल नॉट लेट यू डाउन विद द क्वालिटी विद द प्रोडक्ट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू।